नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर एटा से, आज उत्तर प्रदेश आयन बॉल की टीम गुजरात कक्ष के लिए रवाना हुई, जिसकी रवानगी भाईचारा एकता समिति के संस्थापक सचिव शादब अब्बास ने सभी चयनित खिलाड़ियों व टीम कोच को माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर टीम को रवाना किया, जिसमें टीम कोच चंद्रशेखर पुनीर, टीम मैनेजर रवि कुशवाहा, चयनित खिलाड़ी अभिलाषा यादव, टीम कैप्टन शिवम शर्मा, साथ ही मोनिका सिंह, ममता चौहान, प्रेरणा संगीता यादव आदि तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, ऑयन की टीम गुजरात कक्ष के लिए रवाना हो चुकी है। मेरा नाम चंद्रशेखर गंभीर है। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ प्रोग्राम है आज? सर, आज हम लोगों की गुजरात कक्ष के लिए आयन बॉल की नेशनल टीम जा रही है। कहाँ से जा रही है ये टीम? सर, ये टीम पूरे उत्तर प्रदेश से जा रही है, जिसमें के मोस्टली बच्चे अपने एटा जिले से। लगभग कितने बच्चे होंगे एटा जिले के? एटा के लगभग 9 से 10 बच्चे के समथिंग है, 14 लोगों की टीम। मेरा नाम शादब अब्बास है और मैं एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ, जिसका नाम है भाईचारा एकता समिति। जैसा कि शेखर ने मुझे बताया कि आज इनकी टीम एक हैंड बॉल खेलने नेशनल लेवल पर जा रही है, तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने इनसे कहा कि मैं उसका स्वागत करूँगा। आज आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है, जो प्लेयर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। इन लोगों का अगर हम लोग मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो ये कैसे आगे के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो मैंने आज इन लोगों को सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ माला पहनाकर इनको रवानगी दी है, और मैं ये चाहता हूँ, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग एटा में आए तो हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे एटा का, जिले का नाम रोशन करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एटा जिले के कुछ छात्र जा रहे हैं नेशनल लेवल पर खेलने, क्या कुछ संदेश देना चाहिए इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, और इन्होंने वाकई जबरदस्त मेहनत करी है तभी यूपी लेवल तक पहुंचे हैं, और अब ये गुजरात के कक्ष में नेशनल लेवल का आयन बॉल का जो खेल होता है वो खेलने जा रहे हैं, और इनके लिए सारे एटा वासियों के आशीर्वाद और दुआओं, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इनके प्रति सबकी अपनी संभावना है, और यही आग्रह और निवेदन मैं इनसे करूंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट अपना कार्यक्रम करके आएं और हम एटा वालों का नाम रोशन करके आएं। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइव दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525, 9412265608।